कि जो कॉस्ट ऑफ एक्विटी कैपिटल है उसको कैलकुलेट करने के लिए वो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल को इस्तेमाल करते हैं और वो कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके लिए आई एम गो टू एक्सप्लेन इट विद विद एन एग्जांपल सपोज आपको कॉस्ट ऑफ एक्विटी कैपिटल को कैलकुलेट करना है किसी फर्म का और आपको आपने कैलकुलेट किया है कि जो उसका बीटा है रिस्क है ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी स्टॉक दैट टर्न्स आउट टू बी 1.1. So सो बीटा को आपने कैलकुलेट किया कि वो 1.1 है और हमें पता है कि अगर बीटा की वैल्यू वन से बड़ी हो तो उसका मतलब होता है कि रिस्की है वो फंड अगर वो वन के बराबर है तो हम कहते हैं कि वो उसका रिस्क फंड का रिस्क मार्केट के रिस्क से एन मुताबकत रखता है उसके बराबर है और अगर बीटा की वैल्यू वन से छोटी हो तो इसका मतलब होता है कि जिस फंड की आप कैपे आप कैलकुलेट कर रहे हैं उस कैपेबलिटी के लिए आप एनालिसिस uh, कर कर रहे हैं, कर रहे हैं हैं एनालाइज उस पर्टिकुलर फंड की रिस्क एज कंपेयर टू मार्केट लो है तो दिस इज हाउ बीटा टेल्स अस अबाउट द लिंक्ड अप विद अ फंड और अ स्टॉक नाउ बीटा टर्न आउट टू बी 1.1 और करंट रिस्क फ्री रेट इस वक्त मार्केट से आपने पता किया यानी कि आर और वो आपको पता चला दैट वॉज जीरो पॉइंट या सिक्स परसेंट नाउ हम एस्यूम करें सपोर्ट जो हमारा सपोज जो हमारा मार्केट प्रीमियम है यानी कि आप रिस्क लेने के लिए कितना इजाफी मनी लेना चाहेंगे वो एट परसेंट पर ईयर कैलकुलेट हुआ है या आपने असेस किया है अब इस इंफॉर्मेशन की मदद से हम क्या करना चाहते हैं हम कैपम के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके कॉस्ट ऑफ एक्विटी कैपिटल निकालेंगे कैलकुलेट करेंगे नाउ इस पर्टिकुलर चीज को असेस करने के वास्ते हमने क्या किया एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के फॉर्मूला में हमने ये तमाम चीज़ें प्लग की एज आई रिस्क फ्री मेन्शन रिस्क्री रिटर्नसेंट आपने बीटा कैलकुलेट किया वन पॉइंट वन ये आपका एक्सेस मार्केट रिटर्न है विच टर्न आउट टू बी नॉट पॉइंट नॉट एट यानी कि एट परसेंट और इसको सॉल्व करा तो आपको पता चला नॉट पॉइंट वन फोर एट की वैल्यू आई है तो इसका मतलब है कि आपका जो कॉस्ट ऑफ एक्विटी कैपिटल है दैट इज फोर्टीन पॉइंट एट परसेंट सो कैप की मदद से हम कॉस्ट ऑफ एक्विटी कैपिटल को भी निकाल सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं इसके अंदर आप कॉस्ट ऑफ डेट को ऐड करेंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकले